पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील बताया जा रहा है उसका तल्लुक हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह का कमांडो बताया जा रहा है। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सेना ने जिंदा पकड़ लिया और जब इसने मुंह खोला तो पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तान की हरकत का पता पूरी दुनिया को चल गया और दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में जम्मू में, उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। कि भाई पाकिस्तान साइड से लोग वहाँ पे आते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। वांट टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। देखो जो लड़ाई झगड़ा होता है ना वो बराबर वालों के साथ होती है। अब लड़ाई चीन के साथ होगी, पाकिस्तान के साथ थोड़ा होगी। इधर मस्जिद है ना, उसके साथ मंदिर भी है, ऐसे ही है। ठीक है, उसके आगे से गुजरते हैं, कोई अंदर बम नहीं फेंक जाता कि लोग भाई जल जाएं या फिर मंदिर में कोई बम नहीं फेंक जाता, ऐसे ही है। जबकि पाकिस्तान आए दिन देखे हमें कोई ना कोई इस तरह अगर हम मंगे के खिलाफ ना करें। इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा। अगर मैं किसी हिंदू भाई से मिलूंगा ना तो मैं उसको कहूंगा भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? वो मुझे बताओ क्या कहेगा, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है। हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन रहेगा, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे। इतना बुरा हमारा वक्त आ गया है। सॉरी, इंडियन मीडिया पे एक खबर वायरल होती नजर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील बताया जा रहा है उसका तल्लुक हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह का कमांडो बताया जा रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पे अभी इंडिया की जो मीडिया थी उधर से खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ जो खुफिया लोग हैं या मतलब उनके पाकिस्तान की एजेंसी से लोग हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां पे, अटैक कर रहे हैं, जिसमें से अभी देखिए अगर हम बातों पे यकीन करेंगे ना तो बातें तो बहुत कुछ होती हैं। अच्छा, तो बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए जो आपके कौम जो कर रही है। ठीक है, आपको सारा कुछ पता है हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमारा मुआशरा जो हो रहा है खराब हो रहा है। ठीक है, नहीं उसमें बातों पे बिल्कुल नहीं यकीन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्रूफ मिल जाए जैसे कि लेट्स सपोज उन्होंने आज अभी अरेस्ट किया है एक खलील, मोहम्मद खलील नाम से कोई ऐसा है वो जो अपने आप को हिजबुल्लाह का कमांडो बताता है, मतलब कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो अपने तौर पे वहां पे जाके जिहाद करती है। देखिए मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बनी होंगी 100% आप बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नहीं, बनी होंगी या बनी है आपके आपको नहीं पता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बनी है, देखिए बनी है, बनी ये चीज नहीं है, बनी है या नहीं बनी। ठीक है, जो चीज है ना कि अपने अपनी जगह के लिए वो लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात है। ठीक है, ठीक है, वो इसी पे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको साथ देना चाहिए जो हम नहीं दे रहे हैं। जब वो अकेला इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो फिर गलत स्टेप उठाएगा ना। ठीक है, तो वो फिर जब अच्छा, वो गलत स्टेप उठाता है ना फिर लोग उनको बातें करते हैं। जो लोग मुझे लेट्स सपोज हमें ये कहते हैं ना कि भाई देखें जी हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें आजाद करवाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एक ही सवाल मैं दोबारा करता हूँ, बार बार करता हूँ कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन में उन्हें हम अपने साथ लेकर आते हैं तो वो क्या? देखिए सर, हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ नहीं करने देते। ठीक हो गया, ठीक है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। चलें ठीक है, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं फलस्तीन की अगर बात कर लें, अगर हम मतलब ये बात देखें फलस्तीन तो बहुत दूर की बात है, अगर हम अपना कश्मीर नहीं बचा सके फलस्तीन के लिए हम क्या ही करेंगे। जब भी हमारे मुल्क में कोई मोशरे में कोई बड़ा लीडर फलस्तीन के लिए बोलना शुरू करता है तो उसको जेल में कर दिया जाता है। अच्छा, या फिर उसको भाई फौज उठा के ले। वो क्या वजह है आप फलस्तीन के लोगों से प्यार नहीं किसी को? सर हमें हमें सबसे प्यार है, हमारे मुल्क से प्यार है, हमें अपने लीडर से प्यार है, हमें अपनी आर्मी से प्यार है। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी मतलब ये कि सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, खासतौर पे जैसे हम कश्मीर के मामले में बात करें, हमें 76 साल से यही बताया गया वहाँ पे जुल्म और वहाँ पे ये बताया गया कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें, पाकिस्तान मीडिया को भी एक मिनट के लिए साइड पे रखें, इंडिया की मीडिया को भी एक मिनट के लिए साइड पे रखें, हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि यार वो तो अपनी मर्जी की बात बताएंगे, वो सोचेंगे हम अपनी मर्जी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी इस टाइम जो दिखा रहा है वहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनीज जाके उनके साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मैं आपको छोटी अच्छा, सी बात बताता हूँ जी। मेरे एक दोस्त है जी, वो इंडिया में रहता है। अच्छा, हाँ जी, तो वो ना जब भी मेरी उससे बात होती है ना तो वो इस तरह नहीं फील कराता कि वो अननोन पर्सन है या फिर वो किसी डिफरेंट कंट्री से बात कर रहा है या कोई एनिमी है। अच्छा, उनके सारे मतलब जितने भी हमारे उधर इंडिया में भाई बहन रहते हैं ना वो सारे हम एक ही मुस्लिम है, वो मुस्लिम आपका या मुस्लिम है? हिंदू है वो। अच्छा, तो दोस्ती है, दोस्ती है। देखें दोस्ती होती है इंसानियत पे, ठीक है ना, मतलब देखें रिलीजन बाद में आया ये सारी चीजें, ठीक है।
तो जो थी ना हमारी दोस्ती वो अभी भी बरकरार है माशाल्लाह से, वो भी अपना अच्छा, उनकी फैमिली बहुत अच्छा हमारे साथ करती है, हम बिहेव करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा। अच्छा, तो मतलब वो अपनी दोस्ती हुई किस सेंस में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं सुनना चाहूंगा, देखने वाले बताइएगा जो ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने खास तौर पे जो बात की कि भाई इंसानियत की बुनियाद पे हमें रिलेशन रखने चाहिए, हिंदू मुस्लिम की अगर या मतलब इस तरीके से रखेंगे तो फिर तो पूरी दुनिया में जो है वो लड़ाइयां और नफरतें पड़ेंगी। दोस्ती हुई कैसे? असल में मैं इंस्टाग्रामर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह करता हूँ, तो वहाँ पर उसने मेरी एक वीडियो को लाइक किया था, मुझे कहा यार भैया बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ सर उनसे बातचीत स्टार्ट हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉल पे बात आ गई, फिर मतलब काफी अच्छा फैमिली तक इतनी जान पहचान हो गई, ठीक है। तो मतलब उसकी फैमिली मिलती है, वो अपने फ्रेंड्स को भी उधर दूसरे मुल्क में, जिस तरह मैं मेरे साथ बैठे हुए मेरे दोस्त आपके बैठे हैं, तो वो बताते हैं ना हम, तो मतलब ये कोई नॉर्मल रिएक्शन होता है, कोई डिफरेंट नहीं, यार वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, तो हम उसके लिए नफरत है हमारे दिल में, मोहब्बत है यार। देखिए ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है बल्कि बहुत ही खराब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त, और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए, बल्कि ये जो वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर अटैक काउंटर किया जा रहा है और तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्य जी जो हैं वो, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा हो कि वाई नॉट क्रॉस LOC, उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस LOC मेजर गौरव आर्य जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे, नहीं इस तरह ना करें। ये जो है ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हूँ तुम इंज ना करो, तो ये हालात हैं। देखिए ये इसको मैं एक ज़रा थोड़ा टोन डाउन करके, ऑब्वियसली क्या करें कि भाई हालात ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, और वो जो दहशतगर्द वहाँ पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, एक बार फिर वहां पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो इंडियन आर्मी हैज ऑलरेडी ब्रॉट इन ट्रूप्स टू द एरिया इंक्लूडिंग वन ब्रिगेड स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 3500 to 4000, 3000 3500 से 4000 पर्सनल भी वहां पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है, और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर गए हुए दहशतगर्द, हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में, हर जगह पर ये चल रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान तो जाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया या इसके ऊपर क्या स्टैंड है, तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नजर नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी, पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है, तो इंडिया ने वहां पर अब डिप्लॉयमेंट कर दिए, तो हो सकता है वहां पे तो देखिए ना अभी तो बताऊं आपसे बहस हो रही है, बात हो रही है, आपको बताऊं अभी सिंध के एरियाज में फोर्स कन्वर्जन, वहां पे जो है वो कहते हैं कि जी आपको कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आप ऐसे ही है।